देखो क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 4 और ये 4 साल पुराना मार्कर, इसी से क्वेश्चन बनाएंगे कि आकृति 6.36 इस एक्सरसाइज का आकृति, यह जो है आकृति चैप्टर का 36वां आकृति है ये। और इस आकृति में हमें दिया हुआ है कि 1 जो है एंगल 2 के बराबर है, एंगल 1 एंगल 2 के बराबर है। और यह बात से हमें बहुत कुछ पता चल जाता है कि हम लोग जानते हैं क्या चीज, इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं। इक्वल एंगल के अपोजिट साइड जब इक्वल होते हैं तो बोलेंगे इस साइड से इस साइड के बराबर होते हैं, क्योंकि तो काम देगा आगे, ये दिया हुआ है ये चीज। तो जो दिया हुआ लिख देते हैं हम लोग, यह बात दिया हुआ है आकृति में, हमें जो दिया है वो लिख देते हैं। आकृति में हमें क्या दिया हुआ है कि क्यू आर बाई क्यू एस इज इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर के, और एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। जब एंगल 1 एंगल 2 के बराबर था, एंगल 1 के सामने का साइड पी आर, एंगल 2 के सामने का साइड पी क्यू के इक्वल होगा, पी क्यू के इक्वल होगा, क्योंकि इक्वल एंगल के अपोजिट साइड इक्वल होते हैं, यानी कि समान कोण की समकोण की भुजा बराबर होती है समान कोण की सम्मुख, ऐसे लिखा भुजा समान लिखो या बराबर होती ठीक है, या भुजा के बराबर ठीक है। और साथ ही साथ और कुछ पता है क्या, ये लाइन के पैरेलल भी दिया हुआ है क्या? नहीं दिया है, कोई बात नहीं है। दर्शाना हमें क्या है, ये एंगल की सिमिलर एंगल पी यहाँ है, क्यू यहाँ है और एस यहाँ है, ये ट्रायंगल के बारे में चर्चा बोल रहा है ठीक है। तो हम बात यह लिख देते हैं, सिद्ध करना है, यानी कि टू प्रूव, सिद्धू पाजी कर रहा है क्या, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल किसके, टी क्यू आर के। बहुत आराम है, मनान जाएगा। देखो ये सिमिलर प्रूफ करना है और जो करना है उसी में चलना है। प्रमाण के तौर पे हम लोग चलते हैं ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल, यानी कि और ट्रायंगल टी क्यू आर में, ये दोनों ट्रायंगल में हम लोग चलते हैं और बहुत कुछ पाते हैं, पाते हैं हम वहां भी नहीं देखेंगे, यहाँ पाते हैं एंगल क्यू, यहाँ भी एंगल क्यू, यहाँ भी, दोनों में कॉमन बात है। यानी बोल सकते हैं एंगल क्यू इज इक्वल टू एंगल क्यू कोमल सीना है, यानी उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, अरे सॉरी उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ बात। अब ठीक है, मैं जाके भी देखेंगे तो दिखेगा मनीष, देखो ये एंगल क्यू है। यहाँ देखो पी क्यू एस में, पी क्यू एस में और पी 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 सॉरी कहाँ गया, टी क्यू आर दोनों में ये एंगल कॉमन है, कॉमन एंगल है तो अच्छी बात है। और भी कुछ है क्या, देखो और भी कुछ है क्या, देखो देखो दिख जाएगा क्वेश्चन में, ध्यान से देखोगे नहीं तो क्वेश्चन दिख जाएगा। यहाँ पे देखना है क्या चीज है कि ये एंगल, ये साइड जो ये साइड के बराबर ठीक है, और ये साइड इस ट्रायंगल का पोर्शन है, लेकिन ये साइड भी इसी ट्रायंगल का पोर्शन है, इस ट्रायंगल का पोर्शन है। और हमें चलना किस में था, देखो मिल गया टी क्यू आर, टी क्यू आर सही, टी क्यू आर लाना है, टी क्यू आर। और कौन सा चीज तो तुम्हें दिख सकता है कि कुछ है जो दोनों में है, या जो एंगल इक्वल दिख सकता है, क्या दिया गया है, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 है नहीं है, तो यही रह गया इस ट्रायंगल का एंगल 1 उस ट्रायंगल के 1 के बराबर, जो कि बात हम लिख चुके हैं कॉमन है। और दिया है यहाँ, उतना आगे नहीं बढ़ना, यहाँ दिया हुआ है भुजा समानुपाती, यहाँ दिया हुआ है क्यू आर बट्टा क्यू एस। जब सूझता नहीं है कुछ तो देखना गिवेन में कहीं होगा कुछ, QT by PR, सॉरी QR, QR कहाँ है, ये बड़ का साइड, इसका ये छोटे का साइड पर प्रोपोर्शनल,
समझा, क्यूटी बड़का बाई छोटका। यहां से देखोगे, यहां से दिखा एंगल, यहां से दिखा है साइड और साइड प्रोपोर्शनल, दिखा है साइड साइड प्रोपोर्शनल। तो कौन रूल बन गया? एस ए एस कौन रूल बन गया? यह रूल बनने से पहले हम लोग ये ध्यान में रखते हैं कि ये सास रूल कब बन सकता है, जो एंगल को चलते हैं वो एंगल को बनाने में कौन साइड का यूज किया जाता है। तो एंगल क्यू बनने में ये साइड और ये साइड का यूज किया गया था, क्या इसमें यह मेंशन है? देखो 1 मिनट, बड़का के लिए ये क्यू टी, तो छोटका के लिए क्या देखा जाए? पी आर। छोटका के लिए क्या? पी आर। और यहीं पे छुपा है कुछ कहानी, और इसे करते हैं हम लोग अपनी जुबानी और आसान लग जाएगा। देखो ये बात हमें दिया था और बात ही लगा देंगे, दिया गया है यह बात, और यहां से नहीं दिख पाया था जो हम देखने की कोशिश कर रहे थे। तो देखें यहां पर ये तो दिख रहा है कि क्यू आर बट्टा क्यू एस, क्यू आर बाई क्यू एस, बड़का का ये साइड छोटका का ये साइड प्रोपोर्शनल है, तो बड़का का ये साइड, बड़का का क्यू टी जो होना चाहिए वह प्रोपोर्शनल होना चाहिए किसके? क्यू पी के। किसके दिखा चाहिए? यूपी के, तब ना बात। और यह बात हमने जाना था, यह साइड के बराबर है, पी आर इज इक्वल टू, पी आर इज इक्वल टू क्या था? पी क्यू। तो इसको चलो सोझे करके लिख देते हैं, पी क्यू। सुना रहा है? अब तो दिख गया कि कौन रूल, दो साइड और एक एंगल, तो रूल बन गया एस से एस। और वो एस एस रूल कैसे बन गया? क्योंकि देखो ये साइड और इसके साथ का एंगल, जो साइड चल रहा है तो उसके साथ का एंगल दिखेगा, तब ऐसे एस रूल। यहाँ ये साइड दिखता है, एंगल ये होता तो थोड़ी ज्यादा सास रूल नहीं। तो बोलते क्या चीज की एस ए एस समरूपता कसौटी से क्या होगा? तो होगा ट्राइंगल, क्या चीज? पी क्यू एस सिमिलर ट्राइंगल पी क्यू आर। यही बात हमें प्रूव करना था। चलो इसको कर लो नोट।